मेजर ग्रोम प्लेक डॉक्टर 2021। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे एक डॉग को परेशान करते दिखाए गए हैं, लेकिन तभी वहां एक और बच्चा आकर उन्हें ऐसा ना करने को कहता है, जिस पर अब वो सभी लड़ने लगते हैं। अब फिर हमें सीधा 20 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक पुलिस वाला कुछ बैंक रॉबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था इगोर क्रोम। वो बड़ी बहादुरी से उनका पीछा कर उनको पकड़ लेता है, लेकिन इन सब से शहर में बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसीलिए काफी नुकसान और रोड पर गंदगी हो जाती है। इसे कर्नल इगोर क्रोम को अपने पास बुलाते हैं, और जब क्रोम कर्नल के पास पहुंचता है तो वहां बाहर जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो शर्त लगाते हैं कि आज क्रोम की नौकरी जाना तो पक्का है, और कर्नल ऐसा ही करते हैं। वो उसे बहुत डांटते हैं और उससे उसका रिजाइन लेटर लिखने के लिए भी कहते हैं। इगोर क्रोम भी अपना रिजाइन लेटर देकर वहां से चला जाता है, लेकिन कर्नल उसका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि क्रोम का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन वो शहर में क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। क्रोम जब ऑफिस के बाहर आता है तो देखता है कि सभी पुलिस वालों ने शर्त लगा रखी है। वो शर्त के सारे पैसे उठाकर एक आदमी को दे देता है, जिसका पर्स चोरी हो गया था और वो उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया था। यहां हम देख सकते हैं कि इगोर क्रोम एक बहुत अच्छे इंसान भी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रोम को एक बिगड़े हुए रईस जादे क्रिल का केस मिलता है, जिसने एक अनाथालय की बच्ची पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो मर गई। उस लड़की का मुंह बोला भाई एलेक्सी मकारोव कोर्ट में उसके लिए केस लड़ता है, लेकिन क्रिल कोर्ट को ही खरीद लेता है, जिससे उसे और क्रोम को बहुत गुस्सा आता है। क्रोम वहां कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो मकारोव को चुप कराकर वहां से ले जाता है। फिर वो उस बच्ची की एक टीचर से मिलता है और उन्हें अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना। फिर दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। उसने एक नई एआई बनाई थी और वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत अमीर। उसका नाम सरगई था। वो भी उसी अनाथ आश्रम में पड़ा हुआ था जिस आश्रम की लड़की को उस अमीर लड़के ने मारा था। सरगई को जब पता चलता है कि उस लड़के को कोर्ट ने छोड़ दिया है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे आकर समझाता है कि तुम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगे। अब रात को क्रोम के पास ऑर्फनेज की टीचर का कॉल आता है और वो बताती है कि मकारोव अनाथालय में नहीं है, वो कहीं भाग गया है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी अमीरजादे क्रिल को देखते हैं, जिसे कोई मास्क पहना आदमी मार रहा था। जब क्रिल उससे बचते हुए अपनी कार में जाता है तो आदमी उसकी कार में आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है, और क्रोम ये सब छुप कर देख रहा था, लेकिन उस मास्क वाले आदमी को नहीं पकड़ पाता। वो बहुत ही चालाकी से क्रोम को चकमा देकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सबको सीधा शक मकारोव पर जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रोम जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है तो दीमा डुबिन नाम का एक लड़का उसे उसी मास्क मैन का एक स्केच देता है। अब क्रोम को इतना तो पता था कि क्रिल को मारने वाला वो आदमी मकारोव तो नहीं है, इसलिए वो मकारोव से कहता है कि अगर तुम उस मास्क मैन के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। लेकिन क्रोम को यहां भी इस कातिल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद क्रोम काफी टाइम तक उस आदमी की कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रिसर्च में लगा रहता है, लेकिन उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आखिर में थककर उस केस की फाइल को लेकर अपने घर के लिए निकलता है, जहां उसे रास्ते में कुछ लड़के एक लड़की को तंग करते हुए नजर आते हैं, जिस पर वो उन लड़कों से उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। वो लड़की क्रोम से उसके लिए चाय बनाने को कहती है, और जब क्रोम चाय बनाने अंदर जाता है तो लड़की मास्क मैन की वो फाइल खोलती है और सारी रिसर्च के पिक्चर्स लेकर क्रोम के आने से पहले ही वहां से निकल जाती है। बाहर आने पर हमें पता चलता है कि वो दो लड़के भी उस लड़की ने अपनी हेल्प के लिए बुलाए थे, ताकि वो क्रोम तक पहुंच सके। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि लड़की कौन है, तो थोड़ा सब्र बनाए रखिए, यहां हमें आगे पता चलेगा। अब वो मास्क मैन सरगई के पास जाता है और अपना मास्क हटाता है तो हमें पता लगता है कि मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि सरगई का दोस्त था। वो दोनों एक ही अनाथालय में पड़े हुए थे, जहां फिर सरगई उससे कहता है कि तुम जो भी ये कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात नहीं सुनता और इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड करता है, जिसमें वो सबसे कहता है कि मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो यहां पर क्राइम करता है, उन अमीर लड़कों को भी जो दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं करते। मेरा नाम है प्लेग डॉक्टर और अब मैं इस शहर में प्लेग की बीमारी की तरह क्राइम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पूरे शहर में अब वो हीरो की तरह छा जाता है। हर कोई प्लेग डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो शहर से क्राइम को खत्म कर रहा था, और उसके बाद वो कई लोगों को मारता है। और अब जब इगोर क्रोम क्राइम साइट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस केस को एक दूसरे ऑफिसर को दे दिया गया है और क्रोम को दूसरे केस दे दिया जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसका पार्टनर होता है।
डूबिन जो बहुत अच्छे स्केच बनाता है। ग्रोम अब किसी भी तरह जल्द से जल्द प्लेग डॉक्टर को खत्म करना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने खबरी के पास जाता है जो उसे हमेशा खबर दिया करता था, और वो शहर के सभी उन लोगों के नाम देता है जिन पर उसे शक होता है। फिर ग्रोम डूबिन को अपने साथ लेकर उन सभी लोगों के पास जाता है जिनके नाम उस लिस्ट में थे। वो सबको बहुत मारता पीटता है इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी प्लेग डॉक्टर को नहीं जानता था। आखिर में फिर वो ड्यूबिन को डिपार्टमेंट में भेजकर खुद लिस्ट के लास्ट बचे हुए नाम सरगई से मिलने जाता है, क्योंकि वो वीडियो सरगई के ऐप से ही वायरल हुई थी जिसे लोगों को प्लेग डॉक्टर के बारे में पता चला था। जहां सरगई ग्रोम से कहता है कि उसने वो वीडियो पहले ही डिलीट कर दी है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी कॉपी बना ली है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। फिर ग्रोम सरगई से हेल्प मांगता है कि वो अपने ऐप के थ्रू उस आदमी के फोन को ट्रैक करे जिसने ये वीडियो डाली है, लेकिन सरगई कहता है कि ऐप की मदद से ऐसा नहीं हो सकता, हम उस इंसान की आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर वहां भी मायूसी से ग्रोम वापस लौट आता है। फिर डिपार्टमेंट पहुंचने पर डबिन उस यूलिया नाम की एक वेब रिपोर्टर की वीडियो दिखाता है जिसने प्लेग डॉक्टर पर अब एक न्यू वीडियो डाली थी। यही वो लड़की थी जिसने ग्रोम के घर में से प्लेग डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। ग्रोम को फिर यूलिया पर बहुत गुस्सा आता है और उसके अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो यूलिया से ऐसा कुछ भी ना करने के लिए वार्न करता है। उसकी इस हरकत से ग्रोम की जॉब भी जा सकती थी, लेकिन यूलिया को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्रोम उसे सबक सिखाने के लिए उसके लैपटॉप को पानी के नीचे रख देता है। प्लेग डॉक्टर अपना काम कंटिन्यू रखते हुए एक अमीर आदमी को उसकी फैमिली के साथ जिंदा चला देता है, जिसकी वजह से अब हर जगह उसकी ही बातें चल रही होती हैं। अमीरों को अपनी जान की फिक्र होने लगती है, लेकिन गरीब और जुर्म के सताए लोग उसके साथ होते हैं। सरगई अपने दोस्त ओलेग को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो इस सबको यहीं खत्म कर दे, मगर ओलेग तो रुकने के लिए राजी ही नहीं था। सरगई उसे पुलिस की धमकी भी देता है, लेकिन ओलेग उससे कहता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो इन सब के बारे में बहुत पहले से जानता था। पर तब चुप रहा तो अब भी चुप रहना चाहिए। फिर ड्यूबिन ग्रोम से मिलकर उसे बताता है कि प्लेग डॉक्टर अब अपना नेक्स्ट टारगेट टाउन में होने वाले एक बड़े कैसीनो की ओपनिंग से लेगा, क्योंकि वहां टाउन के सभी अमीर लोग आने वाले हैं। ग्रोम को ड्यूबिन की बात काफी सही लगती है, इसलिए वापस अपने दोस्त से मिलकर उससे अच्छे कपड़े और कार लेकर कैसीनो की ओपनिंग में पहुंच जाता है। वहां यूलिया भी प्लेग डॉक्टर के पीछे आई हुई होती है। ग्रोम और यूलिया प्लेग डॉक्टर के इंतजार में वहां सात टाइम गुजारने लग जाते हैं, लेकिन अंत में वहां प्लेग डॉक्टर तो नहीं आता, लेकिन वो गरीब लोग जो उसे अपना हीरो मानते हैं वहां अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां काफी भगदड़ मच जाती है, और झगड़े में वो ऑफिसर भी आ जाता है जिसे प्लेग डॉक्टर का केस दिया गया है। और जब उसे पता लगता है कि ग्रैम अभी भी इन्वॉल्व है तो ग्रोम को सस्पेंड कर देता है, और साथ में जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ग्रोम जो अब सस्पेंड हो चुका था किसी भी तरह से प्लेग डॉक्टर को पकड़ना चाहता था। उसको सबसे ज्यादा शक अब सरगई पर होता है, इसलिए उस अनाथालय में जाता है जहां बचपन में सरगई रहता था। वहां पर उसे उसकी बचपन की नोटबुक मिलती है जिसमें उस मास्क की तरह स्केच बने हुए थे जो मास्क प्लेग डॉक्टर पहनता है। उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि सरगई ही प्लेग डॉक्टर है। फिर उसे यहां पर सरगई की सबसे अच्छी दोस्त ओलेग के बारे में भी पता लगता है जो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन इसमें लिखा होता है कि एक साल पहले उसकी मौत हो गई है। और अब ग्रोम वहां से सीधा सरगई के पास जाता है, जहां सरगई समझ जाता है कि ग्रोम को सब पता चल चुका है, इसलिए वो सारा सच बता देता है। वो कहता है कि प्लेग डॉक्टर मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, और तभी उसका दोस्त भी वहां जाता है जिसे देखकर सरगई डर जाता है। वो ग्रोम से कहता है कि मास्क मैन यही है, यही प्लेग डॉक्टर है, लेकिन जब ग्रोम सामने देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद वो उसके उसी दोस्त की जिसे वो प्लेग डॉक्टर कह रहा था उसकी फाइल देखता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक साल पहले मारा जा चुका है। फाइल को देखकर सरगई पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सरगई का दोस्त सच में एक साल पहले मारा जा चुका था, और उसके बाद सरगई को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया जिससे वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में अपने उसी दोस्त को देखा करता था जो एक साल पहले मारा जा चुका है, और प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सरगई खुद है। लेकिन अब सरगई की सारी बातें समझ आ चुकी थी, और ग्रोम अब उसे पकड़ ना ले इसलिए उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर और अपने दिमाग पर हावी होने से रोकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो प्लेग डॉक्टर वाले उस सूट को ग्रोम को पहना देता है, जिससे ग्रोम को पुलिस पकड़ लेती है, और अब सबको यही लगता है कि प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रोम है।
ग्रोम अब जेल में होता है तो यूलिया उससे भेष बदल कर मिलने आती है, लेकिन ग्रोम उससे कहता है कि मैं इस केस को अकेले ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो अकेले ही सारे केस सॉल्व करता था। पर कुछ देर बाद ड्यूबिन गार्ड के कपड़े पहनकर ग्रोम के पास आता है और साथ में एक ड्रेस ग्रोम को भी देता है, जिसके बाद दोनों गार्ड बनकर जेल से बाहर आ जाते हैं, जहां यूलिया पहले से ही उनका वेट कर रही थी। और वो तीनों ग्रोम के फादर की पुरानी वर्कशॉप में जाते हैं। यहां से फिर ग्रोम कुछ हथियार लेकर सरगई के पास पहुंच जाता है, लेकिन सरगई ने यहां प्लेग डॉक्टर का सूट पहले से ही पहना हुआ होता है। फिर दोनों के बीच एक काफी भयानक फाइट होती है, लेकिन ग्रोम उसे कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है। और ठीक उसी वक्त प्लेग डॉक्टर यानी कि सरगई एक वीडियो अपलोड कर देता है। इसको देखने के बाद शहर में जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो सभी बाहर निकलकर दंगे करना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसे कंट्रोल करना लगभग ना के बराबर था। और अब सरगई ग्रोम को बताता है कि वो सिर्फ करप्ट लोगों को ही नहीं बल्कि शहर के सभी अमीर लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि वो अमीर लोगों से नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि जो भी उसके फॉलोअर्स हैं वो भी बचें। इसलिए उसने उन सबको उकसाया है ताकि मिलिट्री आकर उन सबको मार दे और शहर को एक नया शहर बनाया जा सके। ग्रोम सरगई की यही बातें पूरी तरह सुनकर शॉक्ड बैठा ही होता है कि सरगई एक डिवाइस किसी तरह ग्रोम की तरफ फेंक देता है और वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। और उधर सिटी के लोग प्लेग डॉक्टर की बातों में आकर शहर में खून खराबा और तबाही मचा रहे होते हैं। ग्रोम और सरगई के बीच फिर से एक बार फाइट शुरू हो जाती है। ग्रोम के लिए सरगई की आंख से बचना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी ड्यूबिन और यूलिया भी वहां उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और अब तीनों सरगई से लड़ने लगते हैं। और एक काफी लंबी लड़ाई के बाद फाइनली ग्रोम और उसके दोस्त सरगई को काबू में कर लेते हैं। और उधर आर्मी भी सिटी में पहुंच जाती है, जिससे वहां भी हालात बेहतर हो जाते हैं। और अब सरगई एक्सेप्ट करता है कि वो ही प्लेग डॉक्टर है, तो यूलिया ये सब रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो तीनों उसे लेकर पुलिस के पास जा ही रहे होते हैं कि पुलिस खुद ही वहां आ जाती है। और कर्नल को जिंदा देख ग्रोम बहुत खुश होता है और वो लोग सरगई को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसका वो सीनियर ऑफिसर जिसे सरगई का केस मिला था वो अभी भी ग्रोम को ही कसूरवार मानता है। लेकिन इस बार कर्नल चुप नहीं रहते, वो एक जोरदार पंच उससे लगाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। सिटी में अब वापस शांति आ चुकी थी, प्लेग डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं रहा था और सबको